हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेरिएबल्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ वेरिएबल इज अ डेटा नेम दैट मे बी यूज्ड टू स्टोर अ डेटा वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वो एक डेटा नेम है जो डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो वेरिएबल इज रिमेन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी। और वेरिएबल में टेक डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसे कि अमाउंट है, प्रॉफिट है, तो ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब आपको अगर वेरिएबल का नाम लिखना है तो उसके कुछ रूल्स हैं, तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो आप लेटर्स लिख सकते हैं, उसमें डिजिट लिख सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल है, दे मस्ट बिगन विथ अ लेटर, सम सिस्टम्स परमिट अंडरस्कोर एज द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो आप जो भी लिख रहे हैं नाम उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ सिस्टम है जो परमिट करती है कि फर्स्ट कैरेक्टर आपका अंडरस्कोर हो। ठीक, पर आपका ज़्यादातर तो सिस्टम आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो लेटर होगा। दूसरा रूल है कि ANSI स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज लेंथ ऑफ 31st कैरेक्टर, यानी 31 कैरेक्टर को ही वो रिकॉग्नाइज करती है, पर उसमें जो फर्स्ट 8 कैरेक्टर होंगे वो ही सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, यानी जो सिस्टम होगा या फिर कंपाइलर होगा वो फर्स्ट 8 कैरेक्टर को ही पढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा रूल है, अपर केस एंड लोअर केस आर सिग्निफिकेंट, दैट इज द वेरिएबल टोटल इज नॉट द सेम एज टोटल और टोटल। यानी कि अपर केस और लोअर केस दोनों वहां पे अलग अलग होंगे। जैसे कि आपने कुछ लिखा है लोअर केस में टोटल और लिखा है अपर केस में टोटल, तो वो वहां पे सेम नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपर केस में लिखना है या फिर लोअर केस में लिखना है। फोर्थ है अपना, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि इल्स नहीं लिख सकते, इफ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कीवर्ड है, एक स्पेशियल कीवर्ड है, तो उसको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। फिर फिफ्थ है अपना, वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो वहाँ पे आप वाइट स्पेस का भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे कि char 4, तो वो नॉट वैलिड है। क्यों? क्योंकि char इज अ कीवर्ड। ठीक है, इसलिए वो नॉट वैलिड है। वैसे ही प्राइस और यहाँ पे डॉलर की साइन है, तो वो भी नॉट वैलिड है। क्यों? क्योंकि डॉलर साइन इज इलीगल। मैंने बोला ना, नंबर्स लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, कि आप लेटर्स लिख सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं, पर अंडरस्कोर लिख सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे साइन अलाउ नहीं करेगा। फिर तीसरा है ग्रुप 1, नॉट वैलिड, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है एवरेज स्पेस हाइट और यहाँ पे एवरेज स्पेस वेट, तो यहाँ पे कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 के बाद के जो है वो कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला, आप 31st यानी 31 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, पर जो कंपाइलर होगा वो फर्स्ट 8 को ही सिग्निफिकेंट बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 है वो यहाँ तक आते हैं। ठीक है, इतने 8 आते हैं। अब ये जो हाइट है और वेट है वो कंपाइलर कैसे पढ़ेगा? तो वो दोनों का मीनिंग सेम लिखेगा, क्योंकि वो यहाँ तक तो दोनों सेम ही है अंडरस्कोर तक, तो वो दोनों का मीनिंग सेम कर देगा। तो आपको यहाँ पे कैसा लिखना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, AVG यानी एवरेज अंडरस्कोर हाइट एंड एवरेज अंडरस्कोर वेट। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो आराम से पहचान लेगा कि क्या हाइट है और क्या वेट है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं HT अंडरस्कोर एवरेज या फिर WT अंडरस्कोर एवरेज। ठीक है, तो आपको कोई भी नाम देने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कंपाइलर पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते तो वो दोनों को सेम मान लेता, क्योंकि वो यहाँ तक तो दोनों ही सेम ही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।